देखो बेटा, जो आज आप कंपटीशन क्लास के विच डिस्कस करना बेटा, उदा कंसर्न है यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस। तो बेटा ये जो सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का कंसेप्ट है, एक्चुअली तुसी रेगुलर क्लास दे विच सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन, डायोड्स इन्हां दे बारे आपां डिस्कस कर चुके हैं, है ना, थ्योरी पोर्शन। बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो कि आपां हुण इत्थे कवर कर रहे हैं इस क्लास दे विच। तो उदे नाल दियां प्रॉब्लम्स नूं भी फिर डिस्कस करांगे आपां, तां उस पर्पस लई है। जे तां तुसी सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस दे लेक्चर्स देखे हुए है, फिर तां ये टॉपिक तुहानूं इजीली समझ आ जाएगा। बट अगर तुसी टॉपिक नहीं देखे हुए, सुने हुए है ना, फिर प्रॉब्लम होएगी। इस करके पहला ना सेमीकंडक्टर्स ते सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस वाले जो रेगुलर क्लास के टॉपिक्स है वो जरूर देख लो। आर्यन, आर्यन अर्शिया, तू देखे पुत्र? यस सर, एक दो में से हुए थे, बाकी तो लिए थे। हाँ चलो, हुन एक टॉपिक है दैट इज अबाउट जीनर डायोड। तो जीनर डायोड भी बेसिकली पीएन डायोड है, बट स्पेशली डो। तो पीएन डायोड और जीनर डायोड दे विच थोड़ा जा बेसिक डिफरेंस की है, तो उदे लिए बेटा अगर मैं ग्राफ बना के दसा तो थानू याद होएगा कि असी किसी भी डायोड नू एक ता फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरा रिवर्स बायस्ड कर सकते हैं ना। तो आ है फॉरवर्ड करंट बेटा, जो कि आमतौर पे इन मिली एम्पियर होएगा, और आ है फॉरवर्ड वोल्टेज जो भी आमतौर पे मिली वोल्ट च होएगी स्मॉल। बट दूसरा होंदा रिवर्स बायसिंग, तो जड़ी रिवर्स वोल्टेज है वो वोल्ट च होएगी, और रिवर्स करंट आमतौर पे क्योंकि ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस है वो माइक्रो एम्पियर च होंदा। हुण बेटा जिहड़ी थोड़ी पीएन डायोड है ते जीनर डायोड है, दोनों दे विच बेसिक डिफरेंस है। बट पीएन डायोड एज वेल एज जीनर डायोड, जदों ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड है, तां इन्हां दे करैक्टरिस्टिक्स सेम है, आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं है। तो जीनर डायोड और पीएन डायोड च फर्क किथे पैंदा बेटा? जिहड़ा ब्लू कलर का ग्राफ है वो मैं प्लॉट कर रहा हूं फॉर पीएन डायोड, और जो रेड कलर का ग्राफ है वो मैं बेटा प्लॉट कर रहा हूं फॉर जीनर डायोड। तो रेड कलर फॉर जीनर एंड ब्लू कलर फॉर पीएन डायोड। तो थोड़ा सारा ध्यान रेड कलर पे होना चाहिए। तो तुसी की देख रहे हैं पुत्र?
कि जदों तुसी जीनर डायोड के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज नू इनक्रीज करते हैं ता इनिशियली ता जो रिवर्स करंट है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज आ जिहड़ा मैं रेड कलर का मार्क लगा रहा हूं इस इनू असीं बोल दिंदे हां ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज तो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज तुसी देख रहे हैं कि जो रिवर्स करंट है इट इनक्रीजेस एब्रप्टली इको दम बच जाता और तुसी की देख रहे हैं बेटा कि एट ब्रेकडाउन वोल्टेज वोल्टेज कांस्टेंट है बट करंट इंक्रीज हो रहा मतलब जो जीनर डायोड है जो जीनर डायोड के अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाती है ता फिर उस तो बाद वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड कांस्टेंट रहती है बेटा सिर्फ करंट इंक्रीज करता हुन जिहड़ा ये स्टेप है अगर मैं इस ग्राफ नू सेपरेटली ड्रॉ करा थोड़े लिए तो ये रिवर्स वोल्टेज है और आप उत्तर रिवर्स करंट है और आ जीनर डायोड के रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है ना ये आ ग्राफ है आ कांस्टेंट वोल्टेज है ना तो तुसी की देख रहे हो बेटा कि जो जीनर डायोड है उसकी इस प्रॉपर्टी के कारण असी ना जीनर डायोड नो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते तो जिन्हें भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्होंने विच बेटा असी कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ पेन करंट जीनर डायोड नो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हुन इत्थे तुसी दो पॉइंट्स नू याद रखना कि ए जड़ी बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसकी वैल्यू डिफरेंट जीनर डायोड्स लई डिफरेंट हो सकती है मतलब किसी जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट की हो सकती है किसी लई 300 वोल्ट तो हुन सेकंड पॉइंट जो तुसी जीनर डायोड के रिकॉर्डिंग याद रखना कि थानू दस्या होया पुत्तर किसी भी डायोड के अंदर जो रिवर्स करंट है वो मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस और थानू ये मैं गल दसी हुई है कि जेडे माइनॉरिटी चार्जेस है बेटा उना दी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दे और कोवलेंट बॉन्ड्स दी ब्रेकेज है ना वो एनर्जी रिक्वायर्ड है हुन तुसी की देख रहे हैं कि बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज जदों मतलब जड़ी अप्लाइड वोल्टेज है ओदी वैल्यू ब्रेकडाउन तो घट है ता रिवर्स करंट वेरी स्मॉल है बट एट ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स करंट को दम इनक्रीज कर जांदा वा एदा मतलब तुसी अपने दिमाग दे विच ये समझ के रखना वा कि जड़ी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उत्थे पहुंच के बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कीते होंगे जिना करके माइनॉरिटी चार्जेस दी कंसंट्रेशन इंक्रीज कीती होएगी और जिस कारण करके रिवर्स करंट एट ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज कीता तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ते पहुंच के बेटा रिवर्स करंट दा इको दम इंक्रीज करन दा मतलब है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ते पहुंच के जो कोवलेंट बॉन्ड्स है बहुत सारे ब्रेक होन करके ब्रेकेज होन करके उना दी जो कोवलेंट बॉन्ड्स है उन्हां दी ब्रेकेज होण करके माइनॉरिटी चार्जेस दी कंसंट्रेशन इनक्रीज कर गई बट नाल ही अगली गल सुनो पुत्तर तो आ जड़ी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उत्थे पहुंच के जो बॉन्ड्स है वो काफी ज्यादा टूट गए तो उन्हां बॉन्ड्स दे ब्रेक करन दा कारण की है तो टू टाइप्स ऑफ मैकेनिजम्स तो दो तरह दे मैकेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है
एक नु असी बोलने हैं बेटा जीनर ब्रेकडाउन और दूसरे नु कहने हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन तो हुन हुंदा की है, देखो ये जो जीनर डायोड है इदे अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट कदों होएगी व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, और जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है ब्रेकडाउन वोल्टेज दे बराबर, और ब्रेकडाउन वोल्टेज दे ऊपर तुसी देख रहे हैं बेटा ग्राफ च कि आ जेड़ा ग्राफ है तुहानू नजर आ रहा कि इस ग्राफ दे विच तुसी देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज दे कोरेस्पोंडिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट ब्रेक मतलब जीनर डायोड च फ्लो कर सकता है। तो एक गल समझ आ रही है अर्शिया? यस सर। एकम तो हुन बेटा ये जिहड़े दो मैकेनिज्म्स है उन्हां विचों जिहड़ा जीनर ब्रेकडाउन टर्म है उहदे पिछे कारण की हुंदा बेटा कि जदों असीं जीनर डायोड दे अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज नू इनक्रीज करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ते पहुंच के जो करंट है वो क्यों एकदम इनक्रीज कर जाता है, उसका कारण अगर जीनर ब्रेकडाउन है तो उसके पीछे कारण ये होया कि उस जीनर डायोड दे अक्रॉस जिहड़ी रिवर्स वोल्टेज है उसके करके जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्ना ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोवलेंट बॉन्ड्स नू ब्रेक कर दिंदा इलेक्ट्रॉन्स दे फोर्स लगा के। तो मतलब जीनर ब्रेकडाउन दे कारण जिहड़े बॉन्ड्स टुटदे है वो अंडर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक करदे है, और ये जिहड़ा फिनोमिना है ये मेनली उना जीनर डायोड्स दे विच प्रेफरेबली होएगा जिहड़ियां हैवीली डोप्ड है। हैवीली डोप्ड है जिथे जिस जीनर जीनर डायोड च हैवीली डोपिंग हुई है उहदे विच ब्रेकडाउन वोल्टेज दा कारण मेनली जीनर ब्रेकडाउन है, और दूसरी तरफ जो है एवलांच ब्रेकडाउन तो एवलांच ब्रेकडाउन च की होएगा बेटा जदों असी जीनर डायोड दे अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज नू इनक्रीज करते हैं तो एट ब्रेकडाउन वोल्टेज ते पहुंच के बहुत सारे बॉन्ड्स दे टुटन दा कारण ये भी हो सकता कि जदों माइनॉरिटी चार्जेस जंक्शन नू क्रॉस कर रहे हैं तां एट ब्रेकडाउन वोल्टेज उन्हां दी स्पीड इन्नी ज्यादा हो जाती है कि वो बॉन्ड्स दे नाल कोलिजन करके उन्हूं तोड़ देते हैं। तो इहदा मतलब जिहड़ा एवलांच ब्रेकडाउन है वो कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस करके है विद द बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड्स, ते जबकि जीनर ब्रेकडाउन का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है तो ये कोलिजन नहीं है। ये दो गल्लां याद रखनियां दोनों का फर्क, और एवलांच ब्रेकडाउन प्रेफरेबली उस जीनर डायोड च होएगा जिहड़ी कंपैरेटिवली लाइटली डोप्ड है मतलब जिसकी डोपिंग कंसंट्रेशन जिहदे अंदर माइनॉरिटी जिहदे अंदर इंप्यूरिटी एटम्स की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली स्मॉल है वो लाइटली डोप्ड है तो उहदे च एवलांच ब्रेकडाउन होएगी, ते जीनर ब्रेकडाउन जिहड़ी है वो हैवीली डोप्ड दे विच होएगी, है ना। एक कंसेप्ट है जिहड़ा तुसी याद रखना मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू तो कि जीनर डायोड दे अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज ते पहुंच के करंट दे इंक्रीज होण दा कारण की है ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, बट उना बॉन्ड्स दी ब्रेकेज दा कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तां ओ जीनर ब्रेकडाउन है, और अगर उना बॉन्ड्स दी ब्रेकेज दा कारण
collision of minority charges with the bonds है, तब फिर वो avalanche breakdown है. और zener diode के अंदर चाहे बेटा मतलब breakage of bonds का कारण zener breakdown है, चाहे avalanche breakdown है, उस डायोड नु असी zener diode ही बोलना. तो वो डायोड का नाम zener diode ही रहेगा. ये नहीं है कि अगर zener breakdown है तो zener diode और अगर avalanche breakdown है तो avalanche diode ना. तो डायोड zener diode ही रहेगी उन्हें बोलेंगे. बट ओदे अंदर बॉन्ड्स दे टूटन का कारण एट ब्रेकडाउन वोल्टेज zener breakdown भी हो सकता, avalanche breakdown भी हो सकता. ये स्टेप याद रखना. और जड़ी zener diode है बेटा, PN डायोड है, इदा जड़ा सिंबल है ओ पुत्र आया सिंबल है, आ डायोड का सिंबल है पुत्र, तो आ अपना Z बनाता. ये zener diode का सिंबल है. और zener डायोड ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव. ये पॉजिटिव का मतलब P साइड है और आ N साइड है ना, ये याद रखना तुसी. हुण पुत्र जड़ी zener डायोड है इने एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट करना वा, पर कदों जदों ये रिवर्स बायस्ड है. और इदे लई जदों हुण ये इदे बिहाफ ते जदों आपां नूं न्यूमेरिकल आना वा कंपटीशन च, तो zener डायोड as a voltage regulator. तो देखो पुत्र हुण ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनू समझ लेना. तो आ हो गया बेटा तो आप बनाती zener डायोड. तो आ इनपुट रेजिस्टेंस है और आ है इनपुट वोल्टेज vi. हुण थानू जिदा मैं दस्या पुत्र कि जदों असी लिखदे आ zener डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर दे लई जरूरी है कि एक ता थोड़ी जड़ी डायोड है zener डायोड दैट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड. तो क्योंकि आ n साइड है, आ p साइड है, तो आ प्लस है और आ माइनस होना जरूरी है रिवर्स बायसिंग. दूसरा बेटा कि जड़ी अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू zener डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट बराबर या उसको ज्यादा. तो अगर अप्लाइड वोल्टेज जड़ी इनपुट वोल्टेज है vi, अगर यदि वैल्यू vz के बराबर या उसको ज्यादा है और इस वोल्टेज vi ने थोड़ी zener डायोड नु बेटा रिवर्स बायस करता, तो फिर थोड़ी जड़ी zener डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एक्ट करेगी. और आ है थोड़ी आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस नु लोड रेजिस्टेंस भी कह देने हैं. और आ जड़ी आउटपुट वोल्टेज है ए vz दे बराबर है, मतलब चाहे rl दी वैल्यू चेंज हो रही है, चाहे vi चेंज करे, बट v नॉट हमेशा vz ही रहेगी. सो इस करके असी zener डायोड नु एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं. अच्छा हुण इहदे विच आ बेटा आ गया टोटल करंट इन द सर्किट. हुण ये जिहड़ा टोटल करंट है जदों ये सर्किट च ट्रैवल करदा होया इत्थे पहुंचेगा, वो दो पार्ट्स दे विच स्प्लिट हो जाएगा, है ना. तो आ गया zener करंट और बाकी जिहड़ा करंट है वो लोड करंट बन जाएगा. और तुसी अगर किरचॉफ्स करंट ला दे अकॉर्डिंगली देखो तो iz और il दा सम i दे बराबर. हुण IL दी वैल्यू बेटा आपां अगर इहदे अकॉर्डिंगली चलिए, तो IL ते RL दा प्रोडक्ट है V0, और V0 दी वैल्यू है VZ. इहदा मतलब अगर IL और RL दा प्रोडक्ट VZ है, तां फिर IL दी वैल्यू VZ / RL हो जाएगी. ये पॉइंट आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा.
अच्छा हुण बेटा दूसरी गल देखो, मतलब ये जड़े स्टेप्स है, आ जड़ी वोल्टेज है ए, आ जड़ी वोल्टेज है दिस वन, आ वाली वोल्टेज आई आर आई, यदि वैल्यू आई आर आई प्लस वी जेड, यदि वैल्यू वी आई दे इक्वल है, मतलब थानू इस सर्किट दे विच ये जड़िया इक्वेशंस है अगर लिखनिया आ रही वा, क्योंकि ये इक्वेशंस तो असि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आ वालिया तीन इक्वेशंस वन टू एंड थ्री, इन्हां तीनों इक्वेशंस नू सॉल्व करके असी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अर्शिया समझ आई है पुत्र कुछ? यस सर। एकम जी नेक्स्ट बेटा, जदों असी गल करते हैं सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस की, तां साडे सामने एक डिवाइस आएगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, ये बेसिकली डिवाइस है जिदे अंदर सिग्नल नू असी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस रीजन। तो इस करके, क्योंकि इस दे अंदर आपा सिग्नल ट्रांसफर करते हैं है ना, फ्रॉम लो टू हाई रेजिस्टेंस, इस करके इसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर तो ट्रांजिस्टर और डायोड की फर्क है पुत्र, जिड़ी डायोड है, चाहे थोड़ी डायोड सिंपल पीएन डायोड है, चाहे जीनर डायोड है, चाहे एलईडी है, चाहे फोटो डायोड है, चाहे सोलर सेल है, ये सारा कुछ टू लेयर डिवाइस है। तो इन्हां दे विच एक लेयर पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी एन टाइप सेमीकंडक्टर। बट जेड़ा ट्रांजिस्टर है जिदे बारे असी गल करन जा रहे हैं, ओदा पूरा नाम है बीजेटी बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर। हुन बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाय मीन्स टू, तो जेडी पीएन डायोड हुंदी है बेटा उदे अंदर इक्को ही जंक्शन है, तो आ सिंगल जंक्शन है, पीएन जंक्शन इक्को जंक्शन, क्योंकि पीएन जंक्शन उत्थे बनना बेटा जिथे पी और एन टाइप ने टच करना एक दूजे नाल, तो उत्थे पीएन जंक्शन बनेगा। तो बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर जेड़ा उत्थे दो जंक्शंस बनते हैं। तो असी जो ट्रांजिस्टर की गल करते हैं बेटा, तो उसका मतलब है बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, और बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर जेड़ा वा इट इज ए थ्री लेयर्स डिवाइस, इधर अंदर तीन लेयर्स। उन वो तीन लेयर्स कितना वा पुत्र, कि अगर तो अगर सेंटर वाली लेयर पी है, तो उदे साइड वाली लेयर्स एन वाली, तो इस बीजेटी ट्रांजिस्टर नु असी कहने हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर बेटा सेंटर वाली लेयर एन है, साइड वाली है पी है, तो
तो सेंटर वाली लेयर हमेशा साइड वाले नालों अलग होएगी, है ना, साइड वाली या सेम होंगी या सेंटर वाली। तो ए बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, इनू पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। हुण ये जिहड़ा तुसी डायग्राम देख रहे हो बेटा, इहदे च जिहड़ी सेंटर वाली लेयर है उहनू असी बोलते हैं बेस, बेस। और जिहड़ियां दो साइड वालियां लेयर्स है बेटा, उहनां विचों इक दी विड्थ घट है, इक दी ज्यादा वा। जिहदी विड्थ घट है उहनू कहिंदे आ एमिटर, और जिहदी ज्यादा है उहनू कहिंदे आ कलेक्टर। एमिटर, कलेक्टर, तो कहन दा मतलब ए कि जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके अंदर जिहड़ियां तीन लेयर्स है, उन्हां तीन लेयर चो सेंटर वाली लेयर का नाम है बेस, और एक साइड वाली एमिटर है, दूजी कलेक्टर है। कलेक्टर की विड्थ ज्यादा वा एमिटर के मुकाबले, और इन्हां क्यों है उसका लॉजिक है, उसका लॉजिक है वो सारा कुछ आप एक्सप्लेन करा। और ये जिहड़ियां तीन लेयर्स होंदियां एमिटर बेस कलेक्टर, इन्हां विचों जिहड़ी तुसी समझ गए हां कि सब तो ज्यादा विड्थ कलैक्टर दी है, उस तो घट विड्थ एमिटर दी है, सब तो घट विड्थ बेस दी है। तो सब तो घट विड्थ बेस दी है, इहदा रीजन भी है, वह भी आपां डिस्कस करांगे। पर नाल दी नाल देखो पुत्तर कि जिहड़ी एमिटर है इहदी थिकनेस विड्थ ओ बेस नालों ज्यादा वा कलेक्टर नालों घट है, तो उन्होंने कह देने हैं मॉडरेट। बट डोपिंग कंसंट्रेशन एमिटर दी मैक्सिमम होंगी है, मतलब जेड़ा असी बीजेटी ट्रांजिस्टर तैयार करते हैं उसके विच जेड़ियां तीन लेयर्स है उन्हां विचों जेड़ी एमिटर लेयर है उसकी विड्थ जेड़ी है वो मॉडरेट होएगी, मतलब बेस तो ज्यादा कलेक्टर तो घट पर उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। जेडी बेस लेयर है पुत्र उसकी विड्थ मिनिमम होएगी, बट ते डोपिंग कंसंट्रेशन भी मिनिमम होएगी। ते जेडी कलेक्टर लेयर है पुत्र उसकी विड्थ मैक्सिमम होएगी ते डोपिंग कंसंट्रेशन मिनिमम होएगी। मिनिमम इन दा मतलब मॉडरेट कह लो, मॉडरेट होगी। तो थोड़े सामने मतलब ट्रांजिस्टर एक थ्री लेयर डिवाइस है, और इसका नाम इस करके पिया क्योंकि ये विच सिग्नल दी ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। और ये लिए बेटा थानू ये गल याद रखनी पैनी है कि जेड़ा पीएन जंक्शन होंगे है ना, वो फॉरवर्ड बायस भी हो सकता है, वो रिवर्स बायस भी हो सकता है। जो थोड़ा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तां वो लो रेजिस्टेंस पोर्शन है, ते जदों वो रिवर्स बायस्ड है तो वो हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि आपां पढ़िया कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो लाइक एक क्लोज्ड सर्किट एक्ट करती है, लो रेजिस्टेंस सर्किट, और जदों डायोड रिवर्स बायस्ड है तो ओपन सर्किट और हाई रेजिस्टेंस सर्किट एक्ट कर दिया। इस करके याद रखना कि जिहड़ा पीएन जंक्शन है वो जदों फॉरवर्ड बायस्ड होएगा तो लो रेजिस्टेंस, जदों रिवर्स बायस्ड होएगा तो हाई रेजिस्टेंस। तो जिहड़ा पीएन जंक्शन है पुत्र जदों ये फॉरवर्ड बायस्ड है लो रेजिस्टेंस, और जदों ये रिवर्स बायस्ड है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ आने चाहिए। फॉलो कर रहे हैं पुत्र? अर्शिया समझ आ रही बेटा?
आ रही समझ पुत्र? यस सर, वो साउंड की प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा। एकमजीत, हम देखो हम जब अपा गल करते हैं ट्रांजिस्टर दी, तो आज बेटा अपा ट्रांजिस्टर का टॉपिक को स्टार्ट किया, जीनर डायोड बारे थोड़ा डिटेल स्टडी की थी, क्योंकि ये जड़ा वीक है इधर विच अपा जो पोर्शन साढ़े प्लस टू दे रहते हैं जो असी रेगुलर क्लास च कवर नहीं किए वो डिटेल कवर करेंगे, और